फ्लू के खतरे की। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में लीची के बाग में एक दर्जन से ज्यादा कौओं की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने कौवे जमीन पर छटपटाते हुए गिर रहे थे। वहीं कौओं की मौत की खबर फैलते ही फौरन पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मृत कौओं का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। वहीं दर्जन भर से ज्यादा कौओं की मौत के बाद से ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की आशंका फैल गई है। हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौआ तब छटपटा छटपटा के मर रहा है, और कौआ सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा फड़फड़ा के 10-12 कौआ मेरे सामने में मर रहा। देखिए, यहाँ पर मरवन प्रखंड के रेपुरा गांव में जो लीची का बागान है, उसमें कौआ कम से कम 10 कौआ का मरने की सूचना हमको है। जांच टीम अभी गई हुई है, जांच कर रही है, सबको जो है SOP के अनुसार उसको डिब्रीड करा रही है और उसका डिस्पोजल करा रही है। उसके बाद सीरम कलेक्शन वहां से हो रहा है, अगल बगल सीरम कलेक्शन करके आज शाम तक में उसको पटना, हम लोग LRS पटना में उसको भेज देंगे। उसके बाद LRS पटना से वो RDDL कोलकाता जाती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि क्या है, क्या मैंने कौन बीमारी से है।